नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। रीट में पिछला हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दो रेखाएं किस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती होती है, समांतर होती है, प्रतिच्छेदी होती है, किस प्रकार से होती है, वो हमने पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो रीट में आने के चांसेस उसके क्वेश्चन रहते हैं और कक्षा 10th का जो टॉपिक है। तो इसमें जो सेकेंड टॉपिक है उसका नाम है दो चरों वाली रैखिक समीकरण का हल। तो दो चरों वाली, दो चर मतलब जिसमें दो चर होंगे x और y, इस प्रकार की जो आपको रैखिक समीकरण दिया जाएगा या रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा, दो समीकरणें दी जाएगी, उनको सरल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है। जैसे समीकरणें आपको दी जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस प्रकार के आपको दो समीकरणें दी जाएगी, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। इन समीकरणों को सरल करने के लिए हमारे पास चार मेथड होते हैं, कौन कौन से हैं। पहला जो इसका मेथड होता है वो है, होता है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि या ग्राफिकल मेथड। सेकंड जो होता है विलोपन विधि। तीसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। और चौथा होता है इसमें वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि, चार हमारे पास इसके मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो हम आज विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। आपको हर एक क्लास में एक एक मेथड आपको बताया जाएगा, चारों मेथड आपको बता दिए जाएंगे। तो पहले हम विलोपन विधि से पढ़ते हैं जो कि सबसे सरल माना जाता है इसमें, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कई बार अलग अलग विधियां भी उसके लिए सरल हो सकती है, पर ज़्यादातर विलोपन जो विधि है वो सबके लिए सरल होती है। तो हम विलोपन विधि से एक सवाल करके देखते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से समझाते हैं कि विलोपन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो 2x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0 और 3x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। तो इनको सरल करने के लिए सबसे पहले विलोपन विधि से इसको सरल करना है, तो हमें सबसे पहला काम करना होता है कि या तो x या y, इनके जो कोफिशियंट हैं, इनके जो गुणांक हैं, उनको बराबर करेंगे। गुणांकों को बराबर करने के पश्चात, अब बराबर कैसे करेंगे, जैसे इसका x का गुणांक है 3, x और यहाँ पे है 2, इनको बराबर कैसे किया जा सकता है। तो इस 2 को 3 से गुणा करते हैं और इस 3 को 2 से, और इस 2 को 3 से गुणा करने का मतलब पूरी इक्वेशन को, पूरी समीकरण को हम 3 से गुणा कर देंगे। इस 3 को 2 से गुणा करने का मतलब पूरे समीकरण को हम 2 से गुणा कर देंगे। परंतु इस सवाल में आप देखोगे हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x के गुणांक भले ही एक जैसे नहीं हो, पर y के जो गुणांक है, यहाँ पे भी y का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो y के गुणांक बराबर है, यानी हम इन समीकरणों में से y का विलोप कर सकते हैं, y को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो विलोपन विधि में हम किसी भी x या y, किसी एक चर, किसी एक वेरिएबल के कोफिशियंट या गुणांक जो है वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो y बराबर है y के गुणांक, तो इसमें से घटा देते हैं, घटाओगे यहाँ लिख देते हैं, घटाने पर जब घटाएंगे चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएंगे आपस में, 2x माइनस 3x माइनस का x, 6 माइनस 5 प्लस का 1 बराबर 0, ये तो कट गया, 0 हो गया था। तो यहाँ से x बराबर 1, x को उधर भेज दिया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब ये x का मान इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, तो
फर्स्ट जो इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस y प्लस 6 बराबर 0, इसमें हम x की जगह 1 रख देते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस y प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से ये हो गया 2 प्लस y प्लस 6 बराबर 0, और ये हो गया y 6 प्लस 2 हो गया 8 बराबर 0, तो यहाँ से हमें y बराबर माइनस 8। तो y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू पहले मिल चुकी थी, यानी इसका जो इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो होगा x बराबर 1 तथा y बराबर 8। ये इन दोनों समीकरणों का सॉल्यूशन है। और हमने इससे पहले जो मेथड पढ़ा था उसमें क्या दिया हुआ था, क्या बताया था आपको, उसमें आपको बताया था कि हमें इनके अनुपात देखने होते हैं, अनुपात देखने होते हैं x के, y के और अचर पर। तो अनुपात से पता लगाएं, अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो ये अनुपात देखते हैं किस प्रकार आते हैं। तो a1 अपॉन a2 का मतलब x के जो गुणांक है 2/3, y के गुणांक 1/1 और z के गुणांक 6/5। तो आप देखोगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, ये भी नहीं है, पर हमें इन दोनों से ही पता चल जाएगा अगर ये बराबर नहीं है। तो आपको मैंने बताया था उस दिन, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, पहले दोनों, ये दोनों जो है अगर वो बराबर नहीं है, तो हमारी जो रेखाएं हैं वो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाएं किस प्रकार होगी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेगी। तो हमें ये तो पहले ही पता चल गया बिना सरल किए हुए इस तरीके से कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद यानी कट करती है, और जितने बिंदुओं पर कट करती है उतना उसका सॉल्यूशन मिलते हैं, हमें हल मिलते हैं। तो ये आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु पे इसको कट कर रही है, इसका मतलब इन दोनों रेखाओं को जब आप सरल करोगे तो आपको इसमें x और y का एक मान मिलेगा जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं। तो इस समीकरण का हमें इन दोनों समीकरणों से अद्वितीय हल मिलेगा, और हमने विलोपन विधि से सरल करके ये बताया कि जो इसका अद्वितीय हल आएगा वो ये है। इसीलिए जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उस जिस बिंदु पे कट रही है उस बिंदु के निर्देशांक आएंगे, x का मान आएगा 1 और y का मान आएगा 8। तो ये थी विलोपन विधि, और मैंने इसको जो पहले टॉपिक पढ़ा है उससे कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। अगली बार हम अगला जो इसी का दूसरा जो मेथड आएगा ग्राफिया विधि, और इसके अलावा प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, उसके भी क्वेश्चन करेंगे। इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके रह रहा हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ नहीं आ रही हो, तो आप कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें। धन्यवाद।